कहाँ कहाँ करने जो पता है कौन साला अल्लाह मैडम मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम आ लेट हो गए आप 2 मिनट लेट कहाँ हो गई 2 मिनट ही तो लेट हुई हो मेरे फोन तेरा बाईस हो रही है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टाइम गलत चल रहा है मैडम टाइम गलत क्यों चल रहा है भाई कल क्लास नहीं ली तूने लिए थे मैडम भानु है भानु क्यों क्यों नहीं ली भानु कल मैंने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या वाला टॉपिक करवाया था भानु और मैंने ऐप पे भेज दिया है मैडम भानु का नेट खत्म हो गया दिखता है, है? भानु का नेट खत्म हो गया भानु का नेट खत्म हो गया था हाँ। कोई बात नहीं आज तो उसके तरफ से है क्या आज देख लेगा भानु चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं कल परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कंप्लीट हो गई थी आज अपन इसी के आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 2 में समस्थानिक देखो समस्थानिक पढ़ने जा रहे हैं समस्थानिक समस्थानिक क्या होता है एक ही तत्व के वे परमाणु एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परमाणु संख्या तो क्या होती है समान होती है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहा जाता है समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है अलग अलग होती है उनको क्या कहते हैं समस्थानिक जैसे समस्थानिक 3 होते हैं सबसे पहले मैं जो कोटेशन बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ लेना उसके बाद में अपन जो एग्जाम्पल करेंगे वो अपने आप समझ हो जाएंगे समस्थानिक 3 है प्रोटियम एक होता है ड्यूटीरियम और एक समस्थानिक होता है ट्राइटियम समस्थानिक के कितने रूप होते हैं 3 प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम प्रोटियम में एक प्रोटोन और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है जो प्रोटियम होगा उसमें प्रोटोन तो की संख्या तो कितनी होगी 1 लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है 0 ड्यूटीरियम में प्रोटोन की संख्या तो 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है 1 वो रूप कौन सा होता है ड्यूटीरियम ट्राइटियम में प्रोटोन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2 तो जिसमें 1 प्रोटोन और न्यूट्रॉन 0 होता है वो तो कौन सा रूप होता है प्रोटियम जिसमें 1 प्रोटोन और न्यूट्रॉन 1 होता है वो कौन सा रूप होता है ड्यूटीरियम जिसमें 1 प्रोटोन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं वो कौन सा रूप होता है ट्राइटियम जैसे
अब अपन एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ये माइक किसका बार बार में घूं-घूं कर रहा है, इसको ऑफ करो। जैसे अपन हाइड्रोजन के समस्थानिक बनाने जा रहे हैं, किसके समस्थानिक बना रहे हो, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक बनाने हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो कौन सा समस्थानिक हो गया, प्रोटियम, ये कौन सा समस्थानिक हो गया, ड्यूटेरियम, और ये कौन सा समस्थानिक हो गया, ट्राइटियम। ये इधर देखो, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या, ध्यान से सुनना बच्चों ताकि दूसरा एग्जाम्पल तुम खुद ही कर दो। सबसे पहले आप जो तत्व ले रहे हो उसकी पूर्ति करोगे, उसकी पूर्ति का मतलब है जो तत्व लिया है उसी की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखोगे। पहले हाइड्रोजन तत्व लिया है, बताओ हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, एक एक होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक एक होती है। न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन की पूर्ति हो गई। अब आप समस्थानिक तीन पढ़ रहे हो, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो जितने तत्व के होते हैं वो इन समस्थानिकों में होंगे, रही बात न्यूट्रॉन की, बताओ न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन की तो कितनी है, जीरो। और प्रोटियम में भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो बराबर कितना आया, जीरो, ठीक है बच्चों। ये न्यूट्रॉन की संख्या तो खुद हाइड्रोजन की है और अपन प्रोटियम वाला समस्थानिक बना रहे हैं, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो को जोड़ोगे तो कितना आया, जीरो। इस वाले हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो, प्लस ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एक। तो जीरो प्लस एक बराबर कितनी आई, एक। ट्राइटियम है, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की, हाइड्रोजन में तो जीरो न्यूट्रॉन की संख्या, और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, दो। तो जीरो प्लस दो बराबर कितना आया, दो। तो हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में तो न्यूट्रॉन की संख्या जीरो, ड्यूटेरियम में एक और ट्राइटियम में कितनी आ गई, दो। अब देखो, कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किसे दर्शाया था, ए से। तो बताओ प्रोटॉन कितना, एक। न्यूट्रॉन कितना, जीरो। एक प्लस जीरो कितना हुआ, एक। प्रोटॉन कितना, एक। न्यूट्रॉन कितना, एक। तो एक प्लस एक कितना हुआ, दो। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, दो। प्रोटॉन कितना, एक। न्यूट्रॉन कितने, दो। तो एक प्लस दो कितने हुए, तीन। कल मैंने एक क्वेश्चन में आपको तत्व को प्रदर्शित करना भी बताया था कि तत्व है, इधर परमाणु संख्या और इधर द्रव्यमान संख्या, बताओ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, एक। इसमें भी एक, इसमें भी एक। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई, दो। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी आई, तीन। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कौन कौन से बन गए, 1H1, 1H2 और 1H3। यही बात मैंने बताई है, एक ही तत्व के वे परमाणु। देखो एक ही तत्व है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अलग अलग तत्व नहीं है ना,
तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, देखो तीनों हाइड्रोजनों की परमाणु संख्या एक एक है, तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, एक की एक है, इसकी दो है, इसकी तीन है, तो द्रव्यमान संख्या तो क्या हो गई, अलग अलग, परमाणु संख्या क्या हो गई, समान। यही क्या होता है, समस्थानिक होता है। तो किसी बच्चे को इस वाले एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं मैडम। नहीं आ रही? नो मैम। नो मैम। आ रही है तो बोल देना, मैं अब दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो तुम ही बताते चलो। नो मैम। ठीक है चलो, अब अपन कार्बन का कर रहे हैं। अब कार्बन का तुम ही बताओगे मुझे कि क्या क्या समस्थानिक बन रहे हैं। देखो बच्चों, अपन कार्बन के समस्थानिक बनाने जा रहे हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो प्रोटियम, देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ये तो प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, और ये ट्राइटियम हो गया। ठीक है, ये कार्बन के प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन और ये द्रव्यमान संख्या हो गई। पहले तो कार्बन की पूर्ति करो, बताओ कार्बन में प्रोटॉन कितने कितने, छ छ और छ, इलेक्ट्रॉन भी कितने, छ छ और छ, न्यूट्रॉन, कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या छ छ और छ। ये तो तत्व की पूर्ति हो गई। अब आप समस्थानिक बनाने जा रहे हो तो बताओ प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, जीरो, तो छ प्लस जीरो बराबर कितना हुआ, छ। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, एक, तो छ प्लस एक बराबर कितना हुआ, सात। ट्राइटियम में कितनी है, दो, तो छ प्लस दो कितना हुआ, आठ। चलो इसकी द्रव्यमान संख्या बोलो, छ छ बारह, इसकी बोलो छ सात तेरह, इसकी बोलो छ आठ चौदह, तो ये छ और बारह, छ और तेरह, छ और चौदह। तो कार्बन के तीन समस्थानिक कौन कौन से बन गए, कार्बन सिक्स बारह, कार्बन सिक्स तेरह और कार्बन चौदह। ये किसके समस्थानिक बन गए, कार्बन के। बोलो परमाणु संख्या समान है कि नहीं, और द्रव्यमान संख्या क्या क्या है, अलग अलग, क्या होते हैं, समस्थानिक। किसी बच्चे को समस्थानिक वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। नो मैम। ये किसका कर रहा है? मैडम ये कर रहा है, किसका कर रहा है पता ही नहीं, मेरा तो नहीं कर रहा है। तेरा नहीं कर रहा अभिषेक? नहीं। फिर किसका किया? चलो समस्थानिक वाला सबको समझ में आ गया क्या? यस मैम। आगे चलो अबे। ये देखो मैडम, चलो अब मैं आपको समस्थानिक के बाद में पढ़ाने जा रही हूँ संभारिक। बिल्कुल इसका विपरीत ही है। समस्थानिक में तो आपने पढ़ लिया कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या थी, अलग थी, वो क्या कहलाए थे, समस्थानिक। अब देखो अपन संभारिक पढ़ने जा रहे हैं। संभारिक, संभारिक में देखो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न तत्व का मतलब अलग अलग तत्व, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है,
और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? सम्मान, वो क्या कहलाता है? समभारिक कहलाता है। तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है, या परमाणु संख्या तो क्या होती है? भिन्न होती है, और द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। जैसे मैं आपके पास में पहला एग्जाम्पल लिख रही हूँ, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। आर्गन की परमाणु संख्या 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20। आर्गन की द्रव्यमान संख्या कितनी? 40, इसकी भी कितनी? 40 और इसकी भी कितनी होती है? 40। द्रव्यमान संख्या 19 विषम है, तो प्रोटॉन तो 19 हो गए पोटेशियम में, और विषम है तो न्यूट्रॉन की संख्या में कितना जोड़ दोगे? एक, तो न्यूट्रॉन पोटेशियम में कितने हो गए? 20, 20 और 19 कितने हुए? 39। ये तो प्रोटियम वाला रूप। अब ड्यूटेरियम वाले रूप में आओगे तो बोलो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 40। 20 और 40 होते हैं, इसके ट्राइटियम वाले रूप में आओगे तो अपने आप 40 बन जाएगी। तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, बोलो अलग अलग तत्व हुए कि नहीं हुए? तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, हाँ, और बच्चों एक चीज और सुनो, कल भी मैं बताना भूल गई थी, तुम्हारे ऑनलाइन टेस्ट चलेंगे और तुम्हारे सिलेबस में लेसन नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा कंप्लीट आएगी, और लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना में कल तक मैं जो पढ़ा दूंगी वो आ तक आएगा। 15 तारीख तक मैं जितना पढ़ा दूंगी वो परमाणु संरचना में आएगा, और लेसन नंबर 1 कंप्लीट लगेगा टेस्ट पर। सेकेंड परमाणु संरचना में कल 15 जुलाई तक जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा उतना आपके टेस्ट में आएगा। टेस्ट कब लगेगा मैडम? क्या टेस्ट कब लगेगा तारीख? टेस्ट अभी एक दो दिन में तुम्हें टाइम टेबल भेज दिया जाएगा कि कितने तारीख से क्या है। मैंने मेरा सिलेबस बता दिया है, तुम तैयारी में लगते रहो क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन हो जाएंगे, कविता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझा देना, जितना करवाया कविता तो उतना ही पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर बाद में करवाते रहेंगे, ठीक है कविता? तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट का पाठ्यक्रम सुन लो, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 कंप्लीट और लेसन नंबर 2 15 जुलाई तक पढ़ाया हुआ आएगा, ठीक है ना? चाहे तुम्हारे टेस्ट 16 से हो, चाहे 20 से हो, चाहे 17 से हो, उसे कोई लेना देना नहीं, तुम तो तैयारी करो और कल तक पढ़ाया हुआ तुम्हारी परमाणु संरचना में आएगा, ठीक है? चैप्टर 1 के 2 टॉपिक नहीं हुए, शिवानी कौन से नहीं हुए? सार्थक अंक मैंने आपको कहा अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, एक रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखना, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, जो मैं आपको वैसे ही बीच बीच में बताती गई थी, तुल्यांक की बार पढ़ाया था तब कि ये अम्ल है और ये क्षार। हाँ मैडम बताए थे, बताए थे ना, ठीक है ना? इसलिए मैंने वो टॉपिक अलग से नहीं करवाया था, ठीक है शिवानी? चलो मैम, सीमांत अभिकर्मक भी नहीं हुआ है? हाँ, सीमांत अभिकर्मक, स्टाइकियोमेट्री तुलटी, नॉन स्टाइकियोमेट्री तुलटी, ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ठीक है ना? मैम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या का कैसे पता चला? किसमें?
समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या का कैसे पता चलता है? देख, न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे तेरे पास में मान ले कोई भी तत्व है, जैसे नाइट्रोजन ले ली तू। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो प्रोटॉन भी 7-7 होंगे सब में, इलेक्ट्रॉन भी 7-7 होंगे, अब न्यूट्रॉन भी 7-7 ही होंगे। 1 से 10 तक के तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। 11 से ऊपर वाले तत्वों में अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या का है तो न्यूट्रॉन की संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, और सम संख्या का है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर होंगे। जैसे तुम्हारे पास देखो एग्जाम्पल लिख रहा, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, तो सम संख्या है कि विषम है? ये संख्या विषम है ना, तो इसकी न्यूट्रॉन की संख्या में तुम 1 जोड़ दोगे तो 19 + 1 कितना हुआ? 20। तो तुम्हें पूछ ले पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो तुम बताओगे 20। ओके बच्चों, अब कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक देखो 20 है, तो सम है ना, तो ये 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है ना। अब आगे न्यूट्रॉन की संख्या देखना, 1 से 10 तक तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 11 से ऊपर वाले तत्व में अगर विषम संख्या का परमाणु क्रमांक है तो न्यूट्रॉन की संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। विषम संख्या का है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो अंकित का माइक कर रहे हैं इसे है, अंकित का माइक, ये किसका है माइक? अंकित का, दीपक अंकित का, अंकित मैं एक और करवा दो, क्या करवा दू, एक और एग्जाम्पल है? हाँ करवा रही हूँ ना, एक की क्यों, 2 करवाऊंगी भानू। चलो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं कार्बन ले रही हूँ, नाइट्रोजन ले रही हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 14 और कार्बन की भी 14, जो अभी अभी आपने बनाई थी ट्राइटियम वाले रूप में, 14 आएगी कि नहीं आएगी? और नाइट्रोजन की वैसे ही 7 और 7 = 14 होती है, तो बताओ अलग अलग तत्व है, परमाणु संख्या अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या समान है, तो ऐसे स्पीसीज क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल में ले रही हूँ लेड और बिस्मत, लेड का परमाणु क्रमांक 82 होता है और बिस्मत का 83 होता है, लेड की द्रव्यमान संख्या 210 और बिस्मत की भी 210 होती है, तो बताओ अलग अलग तत्व हो गए और परमाणु संख्या अलग अलग हो गई और द्रव्यमान संख्या समान हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है? संभारिक। ये किसके एग्जाम्पल है? संभारिक के। तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको क्या कहा जाता है? संभारिक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो संभारिक वाले टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम आई क्या? नो मैम। नहीं आई किसी को ही? नो मैम। सभी बच्चों को क्लियर है ना? बानू अब तो क्लियर है? यस मैम। अब अपन अगला पढ़ने जा रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान है और न्यूट्रॉनिक का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो सबसे पहले अपन ने समस्थानिक पढ़ा, फिर समभारिक पढ़ा, और अब आप पढ़ने जा रहे हो सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है,
उसे क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी और परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। वे अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान तथा परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। बताओ इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 है, इसकी 15 और इसकी कितनी है? 16। ट्राइटियम वाला रूप आ गया, ड्यूटीरियम वाला रूप आ गया और ये प्रोटियम वाला रूप है, क्योंकि 8, 8, 16, 7 तो खुद के हैं और एक और जोड़ोगे तो एक न्यूट्रॉन की संख्या किसमें हुई थी? ड्यूटीरियम में। तो 7 × 1 = 8, 8 × 7 कितने हुए? 15। और 6 × 2 = 8, 8 × 6 कितने हुए? 14। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस मैडम। हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है ना? अब इनमें आपको करना है और ध्यान रखना, टेस्टों में आपके एग्जांपल आ जाएंगे और मैं आपसे पूछ लूंगी कि बताओ बच्चों ये कौन सी स्पीसीज है, बताओ ये कौन, चाहे फिर मैं अलग अलग नाम दे दूंगी, समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, फिर तुम समझ जाओगे कि देखो मैम ने बताया था परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग दिख रही है हमें, इसका मतलब ये तो कौन सी है? समस्थानिक। एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, आपको तो पहचानना है। फिर आप दूसरी देखोगे तो कहोगे कि देखो मैडम ने बताया था द्रव्यमान संख्या समान दिख रही है मुझे और परमाणु संख्या अलग अलग, इसलिए मैं तो इसको संभारिक कर देता हूँ। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखोगे, अरे देखो परमाणु संख्या भी अलग अलग दिख रही है और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग दिख रही है, इसका मतलब ये तो सम न्यूट्रॉनिक हो सकता है, क्योंकि मैम ने कहा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वही क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब मैं आपको इसमें समझा रही हूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे समान आ रही है। कर भी लिए होंगे, तुम कमजोर विद्यार्थी नहीं हो, बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी क्लास ले रहे हो। प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये क्या हो गई? द्रव्यमान संख्या। ठीक है बच्चों, बोलो प्रोटोन कितने? 6। प्रोटोन बोलो 7। प्रोटोन बोलो 8। और प्रोटोन की संख्या ही कल क्या कहलाई थी? परमाणु संख्या। उदासीन है, न तो प्लस है इनके ऊपर न माइनस, तो जितने प्रोटोन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 8। न्यूट्रॉन ने, मैंने कल आपको सूत्र बताया था n = a - z, बोलो a तो कितना है? 14। z कितना है? 6। तो 14 में से 6 गए तो कितने आए? 8। 15 में से 7 गए तो कितने आए? 8। 16 में से 8 गए तो कितने आए? 8। बोलो न्यूट्रॉन की संख्या समान आई कि नहीं आई? इसी प्रकार इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। इसकी कितनी है? 15। और इसकी कितनी है? 16। यही मैंने आपको समझाया, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्व है ना, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है
उन्हीं को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। देखो सबको न्यूट्रॉन की संख्या आठ 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 समान दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ठीक है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम आई क्या? एक और बताती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। हेलो, सम न्यूट्रॉनिक का अपन दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सिलिकन है, फास्फोरस है और सल्फर है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या। सिलिकन की परमाणु संख्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 14, 15, 16। बताओ 30, 31 और 32, ये आपके पास एग्जाम्पल है।